गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज जो है म्यूनिक के फर्स्ट टाइम हम लोग जो है वो क्रिसमस मार्केट में आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को म्यूनिक के क्रिसमस मार्केट का टूर दे दूँ। वो इसलिए भी क्योंकि म्यूनिक का जो जर्मनी में म्यूनिक का क्रिसमस मार्केट है वो लोग बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मार्केट है। तो यहाँ के कल्चर को देखने के लिए आई थिंक क्रिसमस मार्केट इज़ द बेस्ट थिंग जो आप लोगों को देखनी चाहिए। और ऑफ कोर्स मैं भी देखूंगी क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर मी आल्सो। बहुत सारे यहाँ पर पीछे स्टॉल्स लगे हुए हैं और अभी हम लोग हैं हार्ट ऑफ सिटी में जो कि है मेरिनप्लैट्स। तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो को स्टार्ट करके और क्रिसमस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स हैं और जैसे कि आपको भीड़ देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, अराउंड 3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग। तो यहाँ पर इस तरीके की स्टॉल्स होती हैं, वुडन स्टॉल्स होती हैं, जिसमें यहाँ का जो लोकल फूड है या लोकल स्वीट्स है या क्रिसमस स्पेसिफिक जो स्वीट्स हैं वो सारी मिलती है। और सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है, बिकॉज ठंड बहुत है तो यहाँ जो ब्लू वाइन होती है जिसे म्यूल वाइन भी बोलते हैं वो मिलती है, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पर सभी लोग पीते हुए दिख रहे हैं। तो हर जगह जो स्टॉल है उसमें ग्लू वाइन जो है वो मिल ही रही है। तो दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्रिसमस मार्केट का। और जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है पूरा जो दुकानें वगैरह हैं ऊपर की वो भी लाइटिंग से सजा रखी है। ये जो है वो पूरा शॉपिंग स्ट्रीट है, तो यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग मतलब शॉप्स वगैरह हैं। और जगह बहुत ज़्यादा नहीं है पर पूरा जितना भी स्ट्रीट है अराउंड 1-2 किलोमीटर का वो उसमें बहुत सारी वुडन स्टॉल्स लगी हुई हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। वैसे तो आजकल 5 बजे से अंधेरा हो जाता है यहाँ पर जर्मनी में, पर क्रिसमस जो मार्केट है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पर आपको जितनी भी पीछे दुकानें दिख रही हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सोवेनियर्स, स्वीट्स, प्लस खाने पीने के लिए जैसे पोमिस लाइक फ्रेंच फ्राइज, हमारे यहाँ फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं, बट पोमिस उसकी शॉप या जो भी लोकल शॉप्स होती हैं, लोकल फूड होता है, उन सब की शॉप्स जो है वो लाइन से लगी हुई है। तो आप घूमते रहो और आपको जो भी खाने पीने का मन है वो भी आप खा सकते हो यहाँ पर, और प्लस देख भी सकते हो कि यहाँ का जो लोकल सामान जो होता है वो कैसा होता है। जैसे कि ये सारा सामान आप देख रहे हो यहाँ पर 10 यूरोज, 12 यूरोज, 18 यूरोज का मिल रहा है। और यहाँ पर जो है वो जिंजर ब्रेड और ग्लू वाइन जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप विज़िट करते हो ऐसे क्रिसमस मार्केट में या जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में, तो ये दो चीज़ें जो है वो ज़रूर ट्राई करना। म्यूनिक में सिर्फ यही एक क्रिसमस मार्केट नहीं लगता, इसके अलावा और भी बहुत सारे मार्केट लगते हैं, 10 से भी ज़्यादा मार्केट लगते हैं, बट ये जो है वो मेन मार्केट है क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी जो है मेरिनप्लैट्स उसमें लगता है। इसे क्रिस्ट किंडल मार्केट भी बोलते हैं। और
ये जितनी भी आपको स्टॉल्स दिख रही हैं इसमें आपको कैश ही पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको कैश विड्रॉल करना है तो यहाँ जगह जगह जो है वो ईसी मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ रिवायर के कार्ड से जो है वो विड्रॉ कर सकते हो बिना कोई ट्रांजेक्शन फीस से। और अभी उनका बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा है, वो है क्रिसमस रेफ़र ऑफ़र, वो आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हो एंड यू विल गेट अ चांस टू विन 500 यूरो। तो हर एक 100 यूरो पे जो है वो आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे 500 यूरो जीतने के लिए। ये ऑफ़र जो है वो 31 सितंबर तक है, तो आप इस ऑफ़र को यूज़ करो और पता नहीं आप ही हो वो लकी वन जो 500 यूरो जीत जाओ। और बाकी की सारी डिटेल्स जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं, प्लस 2 फ्री लिंक्स ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम यूरोप टू इंडिया या यूके टू इंडिया मैं आप लोगों को दे रही हूँ, वो यूज़ करना भी मत भूलना, वो भी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। एक और बात, जो ऐप है इनकी वो बहुत ही रिलायबल है। अभी आप रेट्स देख सकते हैं, हमेशा रेट्स जो इनके होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अभी 86.445 चल रहा है और UPI के थ्रू विद इन सेकेंड्स जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्रिसमस ऑफर से आप 500 यूरो जीत सकते हैं सिर्फ मनी ट्रांसफ़र करके, तो बेनिफिट उठाइए उन सब चीज़ों का। अब चलते हैं, देखते हैं क्रिसमस मार्केट में और क्या है। और हम लोग घूमते घूमते क्रिसमस मार्केट पे बैक साइड आ गए और हमने सोचा कि चलो कोई सी क्रिसमस स्वीट्स ट्राई करते हैं लोकल बेकरी से। तो हमने एक चीज़ ली है, देखते हैं कैसा है। अच्छी है। अच्छा। क्योंकि मेरे को क्रिसमस में वही याद आता है प्लम केक, एंड एक्चुअली ये प्लम केक जैसा ही लग रहा है। अच्छा। और म्यूनिक में पूरे शहर में कुछ कुछ ऐसे तरीके के जो हैं कुछ कुछ चलता रहता है। आई डोंट नो क्या हो रहा है क्योंकि वो जर्मन में बात कर रहे हैं बच्चों से, पर इस तरीके का जो है आई थिंक कुछ टूर गाइड और समथिंग लाइक दैट है जो वो कुछ बता रहे हैं। Ich habe gesagt, hang on, Lord, we're gonna fight for you. Herr, wenn die Römer kommen, wir helfen dir. Das machen sie, schau mal, die hängen. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो क्रेपेस खा रहे हैं विद डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ वो लोग देते हैं। अपन खाएंगे क्या? हाँ, खाएंगे। I was just curious to see कि ये जो लाइन है वो किस चीज़ के लिए है। पूरे मार्केट में जो सबसे लंबी लाइन है वो इस शॉप की लगी हुई है और इसमें जो सामान है वो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रहा है, वो काटोफिल सूप है जो कि है पटेटो सूप, उसके अलावा फ्लैम लैक एंड फिश सूप है, मतलब मछली का सूप, और बहुत ही अच्छे से सजा के रखा है। तो सबसे बड़ी लाइन, आई डोंट नो ये किस लिए फेमस है यहाँ पर, कुछ तो होगा इंटरेस्टिंग या कुछ तो टेस्ट होगा यहाँ पर। आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं इस क्रिसमस मार्केट में घूमने में? हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ का लोकल कल्चर लोकल ट्रेडिशन जो है वो देखने को मिल रहा है, जो चीज़ें यहाँ पर बिक रही है जो चीज़ें लोग यहाँ पर खा पी रहे हैं उसको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर लोग खाते या पीते दिख रहे हैं वो है वो है ग्लू वाइन। आई थिंक वो ठंड में क्रिसमस में तो बहुत फेमस है, अदर देन दैट पूरे ठंड विंटर्स में यहाँ के लोग जो है वो ग्लू वाइन पीते हैं। अब हम लोग जाने वाले हैं जो मेन स्टेशन है उस तरफ, देखते हैं वहाँ पर कुछ है या नहीं है, अदरवाइज फिर स्ट्रेट टू अपने घर चलेंगे। To
टू कंटिन्यू टू दिस वीडियो, हम लोग अगले दिन जो है वो टॉल बोर्ड, पीछे आपको दिख रहा है कलरफुल, बहुत सारी लाइट्स है, वो भी म्यूनिक में एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट होता है, तो देखते हैं हम भी पहली बार आए हैं कि अंदर क्या है। हम तो पहली बार आए। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट टॉल वर्ड कि जो क्रिसमस मार्केट था वहाँ पर लोकल फूड सबसे ज़्यादा था, या लोकल फूड ही था वो बोल लो, और यहाँ पर फूड प्लाजा के अंदर सारा कुछ आपको क्यूजिन जो है वो मिल जाएगा, इंडियन स्टॉल्स मिल जाएंगी और भी जितना भी इंटरनेशनल माल ताल है खाने पीने का वो सब मिल जाएगा, जो दीपक और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और डेकोरेशन तो आप देख ही रहे हो पीछे। अब हम चलते हैं बाजार में, अंदर क्या है वो देखते हैं, लेट्स गो। वीडियो एंड करते हैं, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो मैंने आपको बताया रिवायर का ऑफर वो यूज़ करना मत भूलना, और दो फ्री लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो चेक इट आउट। और इस क्रिसमस मार्केट पे आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो कमेंट करना, और अगर आप म्यूनिक के क्रिसमस मार्केट में ऑलरेडी विजिट कर चुके हो तो भी ज़रूर कमेंट करना, मैं सुनना चाहूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइज़।